हाय वेलकम टू कोड फॉर यू, वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम जॉब प्रोजेक्ट सीरीज। और इस वीडियो में हम काम करने वाले हैं जहां पर हम जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं उनको डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इस पे काम करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट फाइल बनाई है एंड आप उसको कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो जिससे बाकियों को हेल्प मिले, आपके पास इसकी कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन है तो आप वो मेरे को मेल कर सकते हो code4interview03@gmail.com पर। एंड इस प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, इस वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो इस वाली वीडियो में मैं काम करने वाला हूँ यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे। लास्ट वीडियो में हमने एंटर मार्क्स पे काम किया था, जहाँ पे हमने एंटर मार्क्स वाला फ्रेम बनाया था जहाँ पे हम स्टूडेंट्स के मार्क्स को एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट के मार्क्स को डिस्प्ले करवाएंगे एग्जामिनेशन रिजल्ट्स वाले फ्रेम से। तो ये वाली क्लास आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है जावा क्लास में। जावा क्लास में यहाँ पे आपको लिखना है एग्जामिनेशन और यहाँ पे आपको लिखना है डिटेल्स। एग्जामिनेशन डिटेल्स के नाम से सपोज मैंने यहाँ पर ये वाली क्लास बनाई, ठीक है, कुछ नहीं होगा, बहुत सिमिलर है जो हमने पीछे किया था, बिल्कुल वही करना है। बस एक यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो मैं दिखाता हूँ, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पे लिखना है गेट्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे आपको एक मेन फंक्शन बनाना है। मेन फंक्शन के बाद आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सपोज क्लास के नाम को यहाँ पे कॉपी किया और न्यू करके मैंने यहाँ पे जो एग्जामिनेशन डिटेल्स है उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, बिल्कुल ठीक है एग्जामिनेशन डिटेल्स, और ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैंने ये बनाया, यहाँ पे मेरे को करना है सेट साइज, ठीक है। सेट साइज में यहाँ पे कर रहा हूँ, साइज मेरे को कितना चाहिए, सपोज मैं यहाँ पे डालू 1000 लेंथ और 475 सपोज मैंने यहाँ पे विड्थ डाली। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है सेट लोकेशन, सेट लोकेशन कहाँ पे चाहिए ये आपको, ये मेरे को चाहिए सपोज 300 और 100 पे। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है सेट टू विजिबल, सेट विजिबल को आपको यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा। ये सब फंक्शंस यहाँ पे एरर देंगे क्योंकि ये सब फंक्शंस होते हैं आपके जे फ्रेम क्लास के अंदर, तो आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा जे फ्रेम क्लास को। और यहाँ पे आपको जे फ्रेम को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ये आएगा आपके जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार से, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को हेडिंग डालनी है, हेडिंग आप डाल सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मेरे को यहाँ पे इन फंक्शंस को कॉपी करना है, ठीक है, इन इन तीन चार फंक्शंस को यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे सपोज मैंने इनको पेस्ट कर दिया, ठीक है। जावा डॉट ए डब्ल्यू टी वाला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जावा डॉट ए डब्ल्यू टी पैकेज को आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रेम के कलर को मैंने यहाँ पे वाइट कर दिया और यहाँ पे मेरे को एक हेडिंग दिखानी है, ठीक है। ये तो यहाँ पे इमेज है, इमेज नहीं दिखानी मेरे को, मेरे को यहाँ पे हेडिंग को कॉपी करना है। तो यहाँ पे आपको जो जे लेबल वाला पार्ट है इसको यहाँ से आपको कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे लाके मैंने इसको सपोज पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मेरे को एक हेडिंग दिखानी है, हेडिंग होगी आपके यहाँ पे चेक रिजल्ट के नाम से, चेक रिजल्ट के नाम से यहाँ पे आपकी हेडिंग होगी। तो होमा फॉन्ट में यहाँ पे यूज करूंगा जिसका आपका फॉन्ट साइज होगा 24, ठीक है, प्लेन रखते हैं इसको। कहाँ पे आपको ये दिखाना है, तो सपोज इसको मैं रख रहा हूँ 80 और यहाँ से ऊपर से 15, ठीक है, और सपोज 400 और 50 या 47 आप जो भी रख सकते हो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो चेक रिजल्ट के नाम से ये बिल्कुल सही आया, बिल्कुल परफेक्ट आया। अब यहाँ पे इसके सामने, इसके जस्ट सामने मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है। वो जो टेक्स्ट फील्ड होगी वो होगी यहाँ पे आपके उसके नाम से, जहाँ पर आप अपने रोल नंबर को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इसके जस्ट सामने मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो वो बना लेते हैं। तो उसके लिए आपको सपोज यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड करके यहाँ पे आपको एक डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज जे टेक्स्ट फील्ड और सपोज सर्च के नाम से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप रोल नंबर्स के हिसाब से यहाँ पे आप जो डेटा है उसको सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज सर्च इक्वल्स टू न्यू और जे टेक्स्ट फील्ड, और बिल्कुल ठीक है जे टेक्स्ट फील्ड आ गया यहाँ पे आपके पास। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सर्च डॉट सेट बाउंस, कहाँ पे मेरे को ये टेक्स्ट फील्ड दिखानी है आपको, सपोज 80 लेफ्ट से 80 ऊपर से सपोज 90, कितनी बड़ी दिखानी है सपोज 230, इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड किया यहाँ पे मैंने सपोज सर्च को, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लिखेगी लेबल के जस्ट नीचे, ठीक है, आपके वो आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे रोल नंबर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप रोल नंबर डाल के सर्च कर सकते हो। इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट मेरे को यहाँ पे इसका बढ़ाना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेट फॉन्ट और न्यू फॉन्ट क्लास का आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के जो सपोज तहोमा में यहाँ पे डाल लूँ, यहाँ पे सपोज मैंने लिखा फॉन्ट डॉट प्लेन और यहाँ पे फॉन्ट साइज आप कितना रखना चाहते हो सपोज 18 में यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। अब इसके सामने मेरे को दो बटन चाहिए, बटन हम बना सकते हैं, यहाँ पे हमने बटन बनाए थे उन्हीं को ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल सिमिलर ही रहेंगे। यहाँ पे सबमिट और कैंसिल के नाम से मेरे पास यहाँ पे दो बटन हैं, ठीक है, लेकिन जो बटन का एक्चुअल नाम होगा यहाँ पे वो सबमिट कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे जो बटन का जो नाम होगा वो ये वाला तो बैक होगा, बैक के नाम से है, लेकिन ये वाला यहाँ पे रिजल्ट के नाम से, ठीक है, या सी रिजल्ट चेक रिजल्ट आप ऐसे करके रख सकते हो कुछ भी नाम, ठीक है। बट ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ सपोज सबमिट, और यहाँ पे मैंने कैंसिल के नाम से दोनों बटन को यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर किया ताकि जो एरर्स हैं वो यहाँ से चले जाएं। ये एक्शन लिस्टनर को आपको अभी के लिए यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा, ये मैंने बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये जो मेरे को दोनों बटन से ये आपको टेक्स्ट फील्ड के सामने दिखाने हैं,
टेक्स फील्ड है मेरी यहाँ पे 200 प्लस 80, 280 तक तो मेरी यहाँ पे टेक्स फील्ड ही जा रही है। तो इसको सपोज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 300 से, बिल्कुल सेम लेवल पे 90 पे मैंने यहाँ पे ये डाला क्योंकि वो 90 पर ही है वहाँ पे। और ये सपोज 30 मैंने इसको यहाँ पे लेंथ और विड्थ दी क्योंकि विड्थ यहाँ पे 30 है, बिल्कुल बिल्कुल सेम लेवल पे रहे। बटन बटन की जो लेंथ है वो मैंने रखी है यहाँ पे 120, इसको मैंने रखा है यहाँ पे 30। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 90। अब 300 प्लस 120 तो ये कितना हो गया, 420 तक तो यही जा रहा है। 40 का मैं गैप डाल रहा हूँ तो 440 यहाँ पे सेकंड बटन आ जाएगा मेरा बैक के नाम से। तो दोनों बटन मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसके जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे एक टेबल दिखानी है। ठीक है, टेबल हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी, मतलब लास्ट वीडियो में तो नहीं, लास्ट टू लास्ट वीडियो में पीछे हम टेबल बना चुके हैं एक दो जगह। तो आपको यहाँ पे जे टेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है टेबल बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे जे टेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और आपको यहाँ पे इसके नीचे फिर कुछ नहीं करना, बस टेबल इज इक्वल्स टू न्यू टेबल लिखना है, टेबल इज इक्वल्स टू न्यू जे टेबल एंड दैट्स इट। ठीक है, आप अगर यहाँ पे टेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दोगे तो आपको टेबल यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और टेबल का अगर आपको फॉन्ट साइज या फॉन्ट पेज चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ये मैंने पीछे किया नहीं था बट आप ये कर सकते हो। अगर सपोज यहाँ पे फॉन्ट वेट फॉन्ट टू फैमिली में तहोमा डाल रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज मैंने लिया फॉन्ट डॉट प्लेन। ठीक है, फॉन्ट डॉट प्लेन लेने के बाद आप यहाँ पे जो साइज है वो डाल सकते हो, वो मैं ले रहा हूँ सपोज यहाँ पे 16। ठीक है, इसमें मेरे को स्क्रॉल बार भी चाहिए। स्क्रॉल बार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको अलग से डालना पड़ता है, वो होता नहीं है। तो आपको यहाँ पे सपोज JSP करके मैंने यहाँ पे एक स्क्रॉल बार डाला इज इक्वल्स टू न्यू और जे स्क्रॉल पेन, और यहाँ पे आपको टेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तो JCP नहीं है यहाँ पे, JSP आएगा ये। और यहाँ पे JSP डॉट सेट बाउंस का आपको करना पड़ेगा। इसको कहाँ पे आपको दिखाना है, इसको सपोज लेफ्ट से 0, ऊपर से सपोज 130 और फ्रेम की जितनी लेंथ है 1000, और नीचे मेरे को कहाँ तक दिखाना है, सपोज इसको 300 लिया मैंने और यहाँ पे इसको ऐड कर दिया मैंने JSP को, तो आपको यहाँ पे एक टेबल दिखेगी। ठीक है, आप यहाँ पे देखो मेरे को यहाँ पे एक टेबल दिख रही है। बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा सा 310 ले लेते हैं इसको क्योंकि वो नीचे से वहाँ पे स्पेस आया हुआ है, तो ये वाला स्पेस यहाँ पे फिल हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ पे टेबल के अंदर मेरे को यहाँ पे डेटा डालना है। तो आपको यहाँ पे एक MySQL में एक क्वेरी को हिट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये चीज़ कर चुके हैं कि आपको टेबल में आप डेटा कैसे डाल सकते हो। तो यहाँ पे सपोज मैंने जो आपका एरर है उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया। MySQL में क्वेरी हिट करनी है तो मेरे को यहाँ पे जो कौन क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को SQL पैकेज को इंपोर्ट करना है क्योंकि मेरे को यहाँ पे SQL डॉट स्टार मैंने यहाँ पर लिखा क्योंकि मेरे को यहाँ पे डेटा को डलवाना है आपके इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना 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 पड़ेगा कॉम डॉट टू एडिटर को। ठीक है, अरे इसको नहीं आपको यहाँ पे लिखना है नेट डॉट प्रॉट नेट, नेट डॉट प्रॉट नेट डॉट सिक्वल डॉट डीबीयूटर्स, इसको यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करना है। बिल्कुल ठीक है, इसको इम्पोर्ट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे क्वेरी को हिट करना है, तो यहाँ पे सपोज रिजल्ट सेट आर एस, रिजल्ट सेट जो क्लास होती है वो हमारे सिक्वल पैकेज के अंदर होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिक्वल पैकेज को इम्पोर्ट कराया था। और आपको यहाँ पे लिखना है एग्जीक्यूट क्वेरी। क्वेरी के क्या होगी मेरी यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे डेटा निकालना है आपके स्टूडेंट टेबल के अंदर से। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे टेबल डॉट सेट मॉडल, यहाँ पे एक फंक्शन होता है आपको यहाँ पे उसको कॉल करना है। और यहाँ पे डीबी यूटिल्स के अंदर यहाँ पे फंक्शन होता है रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल, इसके अंदर आपको आरएस का ऑब्जेक्ट पास कर देना है डेट सेट। अगर आप इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे जो दोनों डेटा है वो यहाँ पर आ चुके हैं। बट जैसे मैं यहाँ पे किसी भी एक रो पे क्लिक करूँ ना, तो उसका जो वो है क्या कहते हैं रोल नंबर है वो यहाँ से उठ के इसके अंदर आके फिल हो जाए टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो मेरे को यहाँ पे एक माउस लिस्टनर लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो मेरे को एक जो माउस लिस्टनर होता है उसके एक इवेंट को यहाँ पे मेरे को कैप्चर करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एड माउस लिस्टनर। ठीक है, और यहाँ पे आपको माउस अडेप्टर का यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। माउस अडेप्टर यहाँ पे एक इंटरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे ये किया, और इसके अंदर माउस अडेप्टर के अंदर आपको सबसे पहले तो यहाँ पे इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ये आएगा आपका यहाँ पे इम्पोर्ट जावा डॉट AWD डॉट इवेंट डॉट स्टार में से। बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे ये तो बिल्कुल ठीक है, माउस अडेप्टर इसने यहाँ पे इम्पोर्ट मार दिया। अब इसके अंदर एक फंक्शन होता है उसको आपको यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। फंक्शन होता है माउस क्लिक्ड। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप अगर यहाँ पे इसके अंदर खोल के अगर इसको देखो तो काफी सारे आपको यहाँ पे फंक्शंस मिल जाएंगे। माउस क्लिक्ड है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, आपको यहाँ पे इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। माउस प्रेस्ड है, रिलीज है, एंटर्ड है, एग्जिटेड है। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे फंक्शन को यूज कर सकते हो। मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे मेरे को माउस क्लिक्ड फंक्शन चाहिए। और मैंने यहाँ पे सपोज माउस इवेंट क्लास का यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ME के नाम से। बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे मेरे को रो चाहिए, कौन सी रो आपकी सिलेक्ट हुई है। ठीक है, रो के बाद मेरे को यहाँ पे कॉलम निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है टेबल डॉट गेट सिलेक्टेड रो करके।
गेट सिलेक्टेड कॉलम और गेट सिलेक्टेड रो, ये वाला यहाँ पे फंक्शन होता है, ये मैंने यहाँ पे निकाला। अब यहाँ पे मेरे को वाले वाला कॉलम निकालना है जिस कॉलम में मेरा रोल नंबर है। आप अगर यहाँ पे देखो तो जो रोल नंबर है मेरा वो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉलम में, तो मेरे को यहाँ से थर्ड कॉलम चाहिए। तो आपको यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे टेबल डॉट गेट मॉडल करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे वैल्यूज को सेट नहीं कर रहे हो, गेट कर रहे हो। यहाँ पे हमने सेट मॉडल का यूज किया था क्योंकि मैं यहाँ पे वैल्यूज को सेट कर रहा था, ठीक है यहाँ पे। बट यहाँ पे मैंने गेट मॉडल का यूज किया क्योंकि मैं यहाँ पे टेबल में से वैल्यूज को निकाल रहा हूँ। तो गेट मॉडल और यहाँ पे आ जाएगा गेट वैल्यू, एक फंक्शन होता है यहाँ पे गेट वैल्यू एट। और यहाँ पे आपको यहाँ पे वो पास करना है कौन सी रो में से वैल्यू निकालनी है। ये दो दो आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला आर्ग्यूमेंट होता है कौन सी रो में से वैल्यू निकालनी है, रो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। इसका सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है कौन से कॉलम में से वैल्यू निकालनी है, थर्ड कॉलम में मेरा रोल नंबर है, थर्ड कॉलम में मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। और डॉट टू टू स्ट्रिंग मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है ठीक है। और ये चीज बिल्कुल सही है, मेरे को इसमें इसकी वैल्यू को सेट करना है। कहाँ पे मेरे को इसकी वैल्यू को सेट करना है, मेरे को इसकी वैल्यू को सेट करना है सर्च टेक्स्ट फील्ड में। तो आपको यहाँ पे सर्च डॉट सेट टेक्स फंक्शन का यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू निकालनी है तो हम यूज करते हैं गेट टेक्स फंक्शन का, जैसे कि हम पीछे करते भी आए हैं। बट आपको अगर टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू डालनी है तो हम वहाँ पे यूज करते हैं सेट टेक्स फंक्शन का। तो मैंने यहाँ पे इसका मैंने यहाँ पे यूज किया और ये मेरी यहाँ पे वैल्यू को सेट कर देगा। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा चला के। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो इसने उठाया है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तो उठाया, हाँ डेट ऑफ बर्थ उठाया इसने। इसने यहाँ पे ओके वैल्यू यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो आपको यहाँ पे टू डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गेट वैल्यू एट में जो वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो 1153 6702, मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो 1533 1936 ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे आके फिल हो चुके हैं। अब अगर मैं रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये वाला फ्रेम यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, और यहाँ पे जो इस वाले रोल नंबर के साथ फिर मेरे को डेटाबेस में एक हिट मारनी है जो मेरे को जो मेरा डेटा उठा के लाएगा। बैक बटन के क्लिक पे यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। तो ये सब ये दोनों चीजें हम देख लेते हैं यहाँ पे। आपको इसके लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना करना पड़ेगा यहाँ पे आपको एक्शन लिस्नर को, ठीक है, क्योंकि अब बटन पे मेरे को अब यहाँ पे क्लिक इवेंट चाहिए, एक्शन इवेंट एक्शन लिस्नर आपको यहाँ पे दोनों बटन पे लगाना पड़ेगा। तो जो ऑलरेडी लगा हुआ है आपको यहाँ पे उसको अनकमेंट करना है। नीचे आना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक मेथड को यहाँ पे आपको ओवरराइड करना पड़ेगा जो कि है यहाँ पे एक्शन परफॉर्म्ड। एक्शन परफॉर्म मेथड को मैंने यहाँ पे ओवरराइड किया, एक्शन इवेंट क्लास मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और फिर मैंने यहाँ पे इफ लिखा, इफ ए डॉट गेट सोर्स इज इक्वल्स टू सबमिट, वरना अगर ये आपका कैंसिल के अगर ये आपका इक्वल है तो फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस सेट विजिबल को आपको यहाँ पे कर देना है फॉल्स, दैट्स इट। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो कैंसिल बटन के क्लिक पे ये यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कैंसिल बैक बटन पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे फॉल्स हो गया और ये यहाँ पे नीचे आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अब अगर सबमिट बटन पे अगर यहाँ पे क्लिक होता है तो मेरे को यहाँ पे एक नई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ पे एक नई क्लास बनानी है जो क्योंकि यहाँ पे सपोज मार्क्स के नाम से ये क्लास मैंने अब तक बनाई नहीं है तो ये मेरे को यहाँ पे एरर देगा। और इसके अंदर मेरे को जो सिलेक्टेड रोल नंबर है वो डालना है, कौन सा रोल नंबर सिलेक्ट हुआ है, सिलेक्टेड रोल नंबर आपका यहाँ पे सर्च जो आपकी टेक्स्ट फील्ड है वहां से आएगा, उसके गेट टेक्स्ट फंक्शन में से मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया एंड दैट्स इट। तो आपको यहाँ पे ऐसे करना है। और इसके बाद जैसे आप यहाँ पे मार्क्स वाली जो आपका फ्रेम है वो खोल दोगे तो आपको यहाँ पे सेट विजिबल को कर देना है फॉल्स, कि ये वाला जो फ्रेम है वो आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाए। या आप एक काम कर सकते हो, इसको आप ऊपर लिख सकते हो, ठीक है, कि सेट विजिबल को आप पहले फॉल्स कर दो और उसके बाद फिर आप यहाँ पे फ्रेम खोलो, मार्क्स वाला जो फ्रेम है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक नई क्लास बनानी है जहाँ पे आप अपने सभी मार्क्स को डिस्प्ले करवाओगे जो कि होगी आपके यहाँ पे मार्क्स के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे क्लास हमने बनाई है तो वहां से वो एरर जाना चाहिए, एक सेकेंड इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ से एरर इसलिए नहीं गया अब तक क्योंकि यहाँ पे ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे मेरे पास कोई भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है। बना लेते हैं, सब बनाएंगे। आपको यहाँ पे लिखना है पब्लिक स्टैटिक एंड वॉइड मेन, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्ट्रिंग ARGS, और बिल्कुल ठीक है। स्ट्रिंग ARGS लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है न्यू मार्क्स, आपने यहाँ पे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, आपको यहाँ पे क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बनाना है, मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स और ये बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, आपको यहाँ पे पीछे से मैं एक वैल्यू भेज रहा हूँ जो कि यहाँ पे रोल नंबर है, तो आपको यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया मार्क्स के नाम से, और मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू रोल नंबर। रोल नंबर को मैंने यहाँ पे ग्लोबली स्टोर करवा लिया, तो आप यहाँ पे देखोगे बिल्कुल सही चलेगा। बट ये यहाँ पे एरर देगा क्योंकि यहाँ पे मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ बट मेरे पास यहाँ पे कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो आप यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर सकते हो, ठीक है।
और आप यहाँ आप अगर देखोगे यहाँ पे तो सारी जगह जगह से जो एरर्स हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, यहाँ से भी एरर जा चुका है। ये यहाँ पे येलो मार्क है, ये सिर्फ वार्निंग है, ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे मार्क्स में से भी जो एरर है वो भी यहाँ पे जा चुका है। तो बिल्कुल ठीक है, आपको यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे फ्रेम बनाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज सेट साइज, फ्रेम आपका कितना बड़ा होना चाहिए, सपोज यहाँ पे मैं 500 600, और फ्रेम की जो लोकेशन है वो डाल देते हैं कि कहाँ चाहिए मेरे को, 500 100 पे चाहिए। और सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सेट टू विजिबल, और यहाँ पे हो जाएगा ये आपका ट्रू। सभी फंक्शंस एरर देंगे क्योंकि ये सभी फंक्शंस होते हैं हमारे यहाँ पे JFrame क्लास के अंदर। तो आपको यहाँ पे JFrame क्लास को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से आएगा ये, आएगा आपका यहाँ पे जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार से, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार, बिल्कुल ठीक है। तो सभी एरर जो है वो यहाँ से जा चुके हैं। अब मेरे को यहाँ पे कुछ चीजें चाहिए, जैसे मेरे को यहाँ पे यहीं से ही उठा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लेआउट को नल करना है, और मेरे को यहाँ पे एक हेडिंग भी दिखानी है। तो मेरे को यहाँ पे जेलेबल को कॉपी किया मैंने यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, सपोज ये AWD को इम्पोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ से सीधा स्टार लगा के इसको सभी क्लासेस को यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो। तो मैंने बिल्कुल ठीक है, सेट लेआउट को मैंने यहाँ पे नल किया, फ्रेम के कलर को मैंने यहाँ पे व्हाइट किया। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है आपको यहाँ पे वो डालना है। मैं सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। और इसके बाद कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, जो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है, कॉलेज का नाम है। ये वाला लेबल मेरे को कहाँ पे दिखाना है, लेफ्ट से सपोज 100 में दिखाना है, बिल्कुल थोड़ा सा सेंटर में आए, ठीक है। ऊपर से कितना, सपोज 100, टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए, सपोज 500, और इसकी सपोज 30 डाल देते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने लिया हुआ तहुमा, तहुमा और बोल्ड, और ये चीज तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 24 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको ले लेते हैं यहाँ पे 20, और इसको ले लेते हैं सपोज 25, ठीक है। 5 का मैंने गैप रखा यहाँ पे, और ये आपकी हेडिंग हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक और लेबल चाहिए, ठीक है। मेरे को यहाँ पे एक और लेबल चाहिए जो कि होगी यहाँ पे आपकी सब हेडिंग, ठीक है। वो आपका वहाँ पे हेडिंग है, और यहाँ पे मेरे को एक और लेबल चाहिए जो कि होगी आपके यहाँ पे सब हेडिंग, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे सपोज रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन और जो भी यहाँ पे आपका ईयर है, ठीक है, 2022 सपोज मैंने यहाँ पे डाला, और बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे तोहमा लिखा, ये आपका यहाँ पे जो 25 नहीं होना चाहिए, सपोज 18 दिया मैंने यहाँ पे इसको, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि आपका फोन साइज यहाँ पे 18 होगा, तो मैंने यहाँ पे सपोज इसको 18 लिया। कहाँ से मेरे को इसको दिखाना है, लेफ्ट से 100 तो ठीक है, और यहाँ पे इसको ले लेते हैं सपोज 50। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपके पास यहाँ पे दोनों लेबल्स आने चाहिए। आप यहाँ पे देखो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2022 बिल्कुल परफेक्ट आए। क्लोज करते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को दो लेबल्स और चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, दोनों लेबल्स को यहाँ से कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे लाके आपको इन दोनों को पेस्ट कर देना है। ये क्या हुआ यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे ये दो बार हो गया, और इसको भी हटाते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, सब हेडिंग हेडिंग और सब हेडिंग और सब हेडिंग, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपको एक काम करना है कि यहाँ पर आपको जो लेबल के नाम है उनको यहाँ पे चेंज करना है। तो LBL रोल नंबर, एक लेबल में मेरे को यहाँ पे रोल नंबर को प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे LBL रोल नंबर इसको लिया, और दूसरे रोल नंबर मेरे को यहाँ पे सेमेस्टर प्रिंट करवाना है, कौन से सेमेस्टर का आप यहाँ पे रिजल्ट देख रहे हो। तो यहाँ पे मैंने दूसरे दूसरे मैंने यहाँ पे सेमेस्टर लिया, और बिल्कुल ठीक है। तो एक मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिया, एक मैंने यहाँ पे सेमेस्टर लिया है। आप यहाँ पे रोल नंबर हमारे पास है, मैं अब वो हम पीछे से पास यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है रोल नंबर, और जो रोल नंबर है उसको यहाँ पे आपको कनकैट करा देना है। तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर को कनकैट कराया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपकी हेडिंग नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी सब हेडिंग आएगी। अरे ब्रो ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है, आप इसको हटा सकते हो, ये पता नहीं मैंने यहाँ पे क्यों पेस्ट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपके रोल नंबर आ जाएगा, रोल नंबर के बाद आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाना है। इसको मैं सपोज थोड़ा सा लेफ्ट से मूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने सपोज इसको लिया यहाँ पे 100 और 520, ये तो बिल्कुल ठीक है। और बाकी आप इसको बाकी आप बिल्कुल सेम रख सकते हो, और इसको भी आपको यहाँ पे 60 लेना है। इसको लेते हैं सपोज यहाँ पे 130 और 520, बिल्कुल ठीक है। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो रोल नंबर और यहाँ पे आपका रोल नंबर और रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे आपको इसको प्लेन कर देना है, ठीक है, क्योंकि हर चीज बोल्ड अच्छी नहीं लग रही। और यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी सेमेस्टर की, ये हम बाद में फिल करवाएंगे। तो आपको अभी के लिए यहाँ पे एक काम करना है कि इसके बाद अपने को यहाँ पे सभी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके यहाँ पे मार्क्स को डिस्प्ले करवाना है। तो आपको यहाँ पे जो आपका सब वन है, सब्जेक्ट वन, यहाँ पे ये डालना है, और यहाँ पे सपोज मैंने ये लिया, ये लिया और ये लिया, बिल्कुल ठीक है। कहाँ से इसको स्टार्ट करना है, जो आपके यहाँ पे सेमेस्टर वाला जो आपका सब्जेक्ट वाला लेबल है उसको सपोज मैंने यहाँ पे 100 से स्टार्ट किया, और 200 और 520, बिल्कुल ठीक है। और इसको ले लेते हैं यहाँ पे फोन डॉट प्लेन, और यहाँ पे आ गया आपका 18, बिल्कुल ठीक है। इसको मेरे को यहाँ पे दो तीन और चार और पांच बार इसको मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है।
ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सब टू, ठीक है, सब्जेक्ट सेकेंड है यहाँ पे आपका, और यहाँ पे भी ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट टू और सब्जेक्ट थ्री, बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट थ्री आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट थ्री, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट फोर, और सब्जेक्ट फोर इसके जस्ट नीचे आपके वो आपका हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट फाइव। सब्जेक्ट फाइव मेरे पास यहाँ पे है नहीं क्या? अरे ब्रो है, इसको एक लेबल यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। सही है, यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है सब्जेक्ट फाइव, ठीक है। तो जो डेकोरेशंस थे उनको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, मेरे को यहाँ पे जो आपका सेट बाउंस है उसको भी यहाँ पे चेंज करना है। दो लेबल्स के बीच में यहाँ पे 30 का गैप डाल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे 230 लिखना है, 230 के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 260, उसके बाद आ जाएगा 290, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 320। अब आपको यहाँ पे एक काम करना है कि जो सभी वैल्यूज है उनको यहाँ पे डेटाबेस में से निकालना है, ठीक है। तो डेटाबेस में से निकाल लेते हैं, आपको यहाँ पे लिखना ट्राई, ट्राई के नीचे आ जाएगा जैसे यहाँ पे कैच, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सेप्शन ई, और ई डॉट प्रिंट स्टैक क्वेस, यहाँ पर आपको जो फंक्शन है उसको यहाँ पे कॉल करना है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो आपका कौन क्लास का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आपको वो बनाना है, तो कौन कौन सी इज इक्वल्स टू, और न्यू कौन यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। और यहाँ पर आपको रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल्स टू, और जो क्वेरी है उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, तो सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट एंड क्वेरी रिजल्ट सेट। अब भी यहाँ पे एरर देगा बट कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट, हमारे पास यहाँ पे दो टेबल्स थी जैसे कि हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था, आपके पास यहाँ पे दो टेबल्स थी, एक सब्जेक्ट के नाम से एक यहाँ पे मार्क्स के नाम से। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट निकाल सकते हैं सब्जेक्ट में से, और मार्क्स निकाल सकते हैं मार्क्स में से, बट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू, जहाँ पर आपका जो रोल नंबर होगा वो आपका इक्वल होना चाहिए रोल नंबर के, वहां से आप वैल्यूज को निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेरी यहाँ पे हिट कर दी मैंने, रिजल्ट सेट एरर दे रहा है, क्योंकि रिजल्ट सेट होता है हमारा सिक्वल पैकेज के अंदर, तो आपको यहाँ पे सिक्वल पैकेज में से रिजल्ट सेट को यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आती हैं, ठीक है, आपके पास अगर यहाँ पे वैल्यूज आती हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट, ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो इसके अंदर जो वैल्यूज हैं यहाँ पे उसको आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो सपोज सब सब वन डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वन डॉट सेट टेक्स, और आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो आर एस दो रिजल्ट सेट मेरे को यहाँ पे चलाने पड़ेंगे, तो इसको आर एस वन ले लेते हैं। अब अभी दिखाता हूँ मेरे को यहाँ पे एक और, मेरे को यहाँ पे क्योंकि मेरे को यहाँ पे दो क्वेरीज हिट करनी है, एक एक सब्जेक्ट के अंदर एक मार्क्स के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर से सभी सब्जेक्ट्स आएंगे, मार्क्स के अंदर से सभी मार्क्स आएंगे, तो मैंने यहाँ पे आर एस वन डॉट गेट स्ट्रिंग लिखा, और यहाँ पे जो आपके ये वाले मार्क्स आएंगे वो आएंगे आपके यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर से, तो सब्जेक्ट वन आपके यहाँ पे कॉलम का नाम है, तो आपको यहाँ पे कॉलम का नाम मेंशन करना है सब्जेक्ट वन, ठीक है, ये आपके यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे सब्जेक्ट वन में से, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे वन की जगह आपको यहाँ पे लिखना है 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे आपको लिखना है 1 2 3 एंड, अरे ये कहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 4 और नीचे 5, बिल्कुल सही चला के। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपके पास यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स आने चाहिए बट नहीं आए, क्योंकि रोल नंबर सिलेक्टेड नहीं है, आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन डिटेल्स से इस वाली क्लास को चलाना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन डिटेल्स से मैंने यहाँ पे इस वाली क्लास को चलाया, आपको यहाँ पे कोई भी रोल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे रिजल्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखो सभी सब्जेक्ट्स मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। सेमेस्टर अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि सेमेस्टर की वैल्यू को मैंने अभी यहाँ पे सेट नहीं किया, वो कर लेंगे, ठीक है, तो अभी के लिए तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे काम करना है, मार्क्स में जाना है, अब आपको यहाँ पे एक क्वेरी को और हिट करना है, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं रिजल्ट सेट को, और यहाँ पे सपोज नीचे आते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया आर एस टू, यहाँ पे आपको लिखना है, और जो टेबल का नाम है वो आपके यहाँ पे मार्क्स के नाम से, तो मार्क्स वाली जो टेबल है, एक सेकंड मेरे को चेक करना है, मार्क है या मार्क्स है, मार्क्स है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपने मार्क्स वाली जो टेबल है वो निकाली, और रोल नंबर यहाँ पे आपने लिखा, ये आपका आ जाएगा आर एस टू के अंदर। फिर आपको यहाँ पे वाइल लिखना है, वाइल या इसी को ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम ही है, एक काम करते हैं इतना कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल सही, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा आर एस टू। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वन में सेट टेक्स करना है, अब यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है मार्क्स के अंदर से, तो मार्क्स के अंदर से मार्क्स वन आएगा यहाँ पे, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा मार्क्स वन, बट ये मैं यहाँ पे सेट टेक्स फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा, ये मार्क्स को यहाँ पे ओवरराइड कर देगा। अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ ना, अभी तो खैर चलेगा ही नहीं क्योंकि रोल नंबर यहाँ पे एम्प्टी आएगा, मेरे को एग्जामिनेशन डिटेल्स है इसको यहाँ पे चलाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस रोल नंबर को सिलेक्ट किया, रिजल्ट पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसने यहाँ पे अभी तो एरर ही दे दिया, बहुत बढ़िया एरर देखते हैं, आफ्टर रिजल्ट सेट इज क्लोज, तो आपको यहाँ पे एक काम करना है कि रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल टू दिस दिस दिस, ये बोल रहा है रिजल्ट सेट क्लोज हो गया, बट मैंने तो इसको कहीं पे क्लोज किया ही नहीं है। ओके एक काम करते हैं, सेम उससे चलाते हैं, तो ओ यहाँ पे मैं आर एस वन का यूज कर रहा था, इस वजह से तो नहीं हो रहा था ये,
ठीक है, यहाँ पे RS2 अगर लिख के देखते हैं तो चल रहा है क्या? एक सेकेंड, यहाँ से खा, अरे यहाँ से क्यों चलाता हूँ मैं, यहाँ से चलाना है। ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं चल रहा है क्या, वरना फिर उसको मेरे को हटाना पड़ेगा वहां से। तो इस पे, इसको समझ मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हाँ इस चीज की मैं बात कर रहा था। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने इसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे जो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम था उसको इसने मार्क्स से रिप्लेस कर दिया। तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ से पहले तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि आपके सब वन के अंदर वैल्यू क्या है। सब वन डॉट गेट टेक्स आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, और गेट टेक्स करके आपको यहाँ पे वैल्यू को फिर से सेट करना पड़ेगा, लेकिन इस बार आपको वैल्यू को सेट करना पड़ेगा कुछ इस तरह। ठीक है, तो अगर आप इस तरह लिखोगे तो इस तरह बिल्कुल मस्त चलेगा। है तो यहाँ पे 3, 4 और 5, पांचों बार मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 3, 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। बिल्कुल ठीक है, RS2, और यहाँ पे आपके पास Marks 1, Marks 2, Marks 3, Marks 4 और Marks 5। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैंने फिर से यहीं से रन कर दिया ब्रो। एक और चीज है, चलो एक और चीज मेरे ध्यान आई कि यहाँ पे मेरे को सेमेस्टर को भी यहाँ पे सेट करना है। जो आपका यहाँ पे LBL सेमेस्टर के नाम से आपका लेबल है, उसमें भी मेरे को यहाँ पे वैल्यू को सेट करना है। तो मेरे को यहाँ पे सेटेक्स फंक्शन का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखा सपोज सेमेस्टर और प्लस, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा RS2 डॉट गेट स्ट्रिंग। सेमेस्टर वाली जो टेबल है उसका आपका कॉलम किस नाम से, सेमेस्टर के नाम से। तो आपको यहाँ पे गेट स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेमेस्टर, तो ये आपका सेमेस्टर, तो ये आपका यहाँ पे सेमेस्टर उठा लेगा। बिल्कुल ठीक है, एग्जामिनेशन डिटेल्स में जाते हैं। यहाँ पे Shift F6 मैंने दबाया है, यहाँ पे इस पे सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, रिजल्ट पे क्लिक किया, तो सेमेस्टर आप यहाँ पे देखो बिल्कुल सही आया है। ED यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के आपके यहाँ पे मार्क्स आ चुके हैं और बिल्कुल सही है। इसके जस्ट नीचे अब मेरे को यहाँ पे एक बटन लगाना है, तो वो भी लगा लेते हैं। एंटर मार्क्स में जाते हैं, बटन होगा आपका यहाँ पे बैक के नाम से, तो इसको यहाँ से कॉपी किया मैंने। एग्जामिनेशन डिटेल्स तो छोड़ो, मार्क्स में गए और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। ऊपर आते हैं और जे बटन होगा आपका यहाँ पे कैंसिल के नाम से, अरे सबमिट वाला मैंने कहा नहीं, कैंसिल वाला ही है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, अरे इम्प्लीमेंट करना है आपको यहाँ पे एक्शन लिस्नर को, और यहाँ पे आपको लिखना है इम्पोर्ट। यार अगर आपके पास इसकी प्रोजेक्ट फाइल है ना और आप इसको कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है ताकि दूसरों को हेल्प मिले, ठीक है, तो यार प्लीज कंट्रीब्यूट करना, आप इनको मेल कर सकते हो code42003@gmail.com पर। ठीक है, अगर मतलब अगर आप करना चाहो, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे करना चाहो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेथड को यहाँ पे मैं ओवरराइड करवा रहा हूँ, जो एक्शन लिस्नर इंटरफेस के अंदर जो मेथड है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है सेट विजिबल फॉल्स, कोई आपको यहाँ पे चेक नहीं करना कौन सा बटन कॉल हुआ है, क्योंकि एक ही बटन है अपने पास यहाँ पे, ठीक है। ये बटन आपको कहाँ पे दिखाना है, वैसे तो सही आया था बट ठीक है, इसको थोड़ा सा 250 ले लेते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट में, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, 500 लिया इसको मैंने, और बटन काफी बड़ा है, इसको ले लेते हैं सपोज 25 ले लेते हैं, तो ठीक है। तो एक सेकेंड देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ बैक पे क्लिक किया, बिल्कुल सही है। शुरू से चला के देखते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो ये वाली क्लास है ये यहाँ पर खत्म होती है। मैं आपको एक बार इसको चला के दिखा देता हूँ, इसके बाद बस एक दो क्लासेस और बचती हैं, देख लेते हैं कौन सी क्लास है। बैक पे क्लिक किया तो बंद हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्लासेस हमारी यहाँ पे हो चुकी हैं, आपको यहाँ पे इन सबको यहाँ से सपोज क्लोज कर देते हैं, प्रोजेक्ट में आना है आपको यहाँ पे, और प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन डिटेल्स और एंटर मार्क्स वाले इसको एक्शन लिस्टर को मैंने सपोज यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट किया, एग्जामिनेशन डिटेल्स को यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट किया। नीचे जाना है आपको सबसे, यहाँ से इसको आपको यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ पे लाके आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। एग्जामिनेशन डिटेल्स जो है इसको यहाँ से आपको कॉपी कर देना है, और नीचे जाके आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है एंटर मार्क्स की जगह एग्जामिनेशन डिटेल्स, बिल्कुल ठीक है। और जो एग्जामिनेशन डिटेल्स है, बिल्कुल एग्जामिनेशन रिजल्ट्स है, ठीक है, रिजल्ट्स के नाम से नहीं है, डिटेल्स के नाम से है, तो उसको डिटेल्स ले लेते हैं और बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा तो बिल्कुल मस्त चलेगा, और यहाँ पे अगर आप देखो तो एग्जामिनेशन में और एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, और यहाँ पे सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया, बिल्कुल मस्त चल रहा है, एकदम मक्खन, बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल मस्त चल रहा है। एंड यहाँ पे हमारी ये वाली वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है यार लाइक करना, आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आपको सर्च करना है कोड फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।